यहाँ पे तो फोटो शूट चल रहा है एंड आगे आप सीनरी देख सकते हो, as you can see. Good morning guys, and this is my 9th day I think in Vietnam, और मेरा 20वां दिन ऑफ दिस ट्रिप. तो I have actually completed 66% ऑफ my ट्रिप. मेरा पूरा ट्रिप एक महीने का था, तो 20 दिन हो चुके हैं. एनीवेज ये थोड़ा ज़्यादा मैथ्स हो गई. ये मेरा डॉर्म रूम है, एज यू कैन सी हियर इन इनबिन. ये मेरा बेड था और एयर कंडीशनिंग नहीं है, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज वहाँ पे बहुत लंबा और बड़ा फ़ैन है, तो मैं बहुत बढ़िया तरह से सोया. उड़ गया था करीबन से 6:30, थोड़ा बाहर वॉक करा अपने हॉस्टल में. वहाँ पे पूल है, मैं पूल में जाना चाहता था बट पानी गंदा था तो मैं गया नहीं. तो आई कैन रिकमेंड दिस स्टे, इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा. द डॉर्म रूम वॉज फॉर 80,000 वियतनामीज डोंग, तो करीबन अपने 240 रुपये हो गए. हाँ, 240 रुपये हो गए. तो अभी मैं बाहर जाऊँगा. आई वॉन्ट टू डू अ बोट ट्रिप जो यहाँ पे करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक लेक है, उसका नाम सॉन खन समथिंग करके है. तो वहाँ पे बोटिंग होती है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ. ये यहाँ पे पूल है जैसे मैं बता रहा था, और यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही है, तो मेरे प्लान्स थोड़े फेल होते जा रहे हैं. मेरे को और जल्दी निकलना था, अभी करीबन 9 बज चुके हैं, ताकि मैं बोट राइड के लिए जा सकूँ. एंड दिस इज़ द स्टे हियर. बहुत बढ़िया है, और इनका फ्री ब्रेकफास्ट भी था जो मैंने इन्जॉय करा. पूल है, बहुत ही अच्छे लोग हैं. डेफिनेटली रिकमेंड दिस स्टे. हेलो, तो अभी साइकिलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे. आई एम नॉट इवन श्योर कि ये कैमरा फ्रेम में या नहीं है, बट एक हाथ से हैंडल कर रहा हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, और गिरने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, तो इसको रखते हैं साइड में और आप नज़ारा एंजॉय करो. हेलो गाइस. हेलो. ओह ओके. मैं बोटिंग शुरू करूंगा अपनी. ये सारी बोट्स हैं, प्राइस जाके पता करता हूं और बोटिंग करते हैं यहाँ पे इस लेक में. बोट पे बैठ चुका हूँ एज यू कैन सी. एंड यहाँ पे 3 राउट्स होते हैं, राउट नंबर 1, 2, 3. मैंने तीसरा वाला लिया है, और ये काफ़ी सारी बोट्स हैं यहाँ पे. एंड इसके अलावा एक्चुअली आई हैव डन द टैमकॉक वन. नहीं नहीं, मैंने इको स्टे वाला करा है. इसके अलावा आप टैमकॉक वाला भी कर सकते हो. आई थिंक प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, करीबन 1.5 लाख डोंग है, तो करीबन 450 रुपये हो गए अपने. बट ये करना बनता है अगर आ रहे हो यहाँ पे. इस लेक का नाम भी यहाँ पे डाल दूंगा. आई थिंक सेम ही लेक है जो पूरी यान इन बिन में रन होती है. तो बस व्यू इन्जॉय करते हैं. ये काफ़ी केव्स, टेम्पल्स और माउंटेन्स पे ले जाएंगे. वो जो लीफलेट दिया है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है. एंड मेरे एक फ्रेंड ने कल करा था, तो उसने कहा था राउट नंबर 3 लेना, तो मैंने वही लिया है. विद दैट सेड, इन्जॉय करते हैं. एंड आप लोगों को मेरे आगे 2 लोग हैं और मैं हूँ सिर्फ, और पीछे शी इज रोइंग द बोट. हेलो. तो बढ़िया मज़ा आ रहा है. ये पहला स्टॉप है यहाँ पे, इसको कहते हैं त्रिन टेम्पल. और ऐसे स्टॉप्स लेंगे हम लोग ओवर द नेक्स्ट 3 आवर्स. 3 घंटे का टूर है ये.
पे केव है यहाँ पे, इसको कहते हैं हांग डॉट केव, और ये केव के बीच में से जा रहे हैं हम लोग। पूरी बोट है आगे जिस यू कैन सी, और ये ऊपर सारी केव है। पूरा केव के थ्रू जा रहे हैं, आई डोंट नो आप कितना ढंग से देख पा रहे हो। यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं और झुकना पड़ता है बिकॉज ऊपर नहीं तो सर टकरा जाएगा। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, यहाँ पे काफ़ी सारे केव्स हैं। आई थिंक हम 2-3 और में जाएंगे, तो आगे बोट जा रही है लेकिन सी, और हमारी बोट भी है, मज़ा आ रहा है। अभी 2 केव और 1 टेंपल विजिट करा है, और आई थिंक अभी एक और व्यू पॉइंट है या फिर केव है, पता नहीं, मैंने भी मैप पे चेक नहीं करा, तो उसकी तरफ जा रहा हूँ, वो दिखाते हैं। टोटल 8 स्टॉप्स हैं इस टूर पे, और पहला था टेंपल, फिर 2 केव्स और फिर से 1 टेंपल। अब आई थिंक 2 व्यू पॉइंट्स हैं या माउंटेन्स के पास ले जाएंगे, वहाँ से आई थिंक बोट से उतरना नहीं होगा या फिर बोट से उतर के व्यू काफ़ी अच्छा दिखेगा जैसे लीफलेट में मैं देख पा रहा हूँ। टूर तो बहुत बढ़िया है, बट ऑब्वियसली लैंडस्केप कितना भी अच्छा हो 15-20 मिनट के बाद सब सेम दिखता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो टेम्पल देखे, मेरे को दोनों टेम्पल में कोई डिफरेंस नहीं दिखा। ये आई थिंक हिंद डायनेस्टी से हैं ये दोनों टेम्पल्स जितना मैं पढ़ पाया, और जो पहला वाला टेम्पल था वो हिंद डायनेस्टी के 4 जो सबसे दिग्गज रूलर्स थे उनकी स्टैचूज़ अंदर बने हुए हैं, और यहाँ पे भी आई थिंक उनके बने हुए हैं स्टैचूज़, तो ऑलमोस्ट सिमिलर था। आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, डोंट कोट मी ऑन दिस, जितना मैं हिस्ट्री पढ़ पाया मैंने कर लिया। अभी हम लोग दूसरे माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ होता है ये टूर, तो इतना बहुत ज़्यादा दिखाने का टाइम भी नहीं मिलता बिकॉज अदरवाइज बोट निकल जाएगी, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दे। मैं उनका नाम है हियन क्विन क्विन माय, एंड आप मेरे को तो जानते ही हो, आई एम सिड सिद्धार्थ, एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वियतनाम में, आई एम व्लॉगिंग विद दीज गाइज। अनदर वन, ये ओके, हेलो, यहाँ पे तो फोटो शूट चल रहा है, एंड आगे आप सीनरी देख सकते हो, एज़ यू कैन सी। बस वापस जा रहा अपने हॉस्टल, बहुत बढ़िया टूर था। आई वुड से कि आप में से कोई आ रहा है डेफिनेटली डू दिस, व्यू बहुत अच्छा मिलता है, बोट टूर काफ़ी अच्छा था। बस अपने हॉस्टल पहुंचता हूं और चलाता हूं पहले ताकि गिरूँ ना। गाइस तो मैं अपने हॉस्टल वापस आ गया था बोट टूर से, विच वॉज रियली नाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सीनिक था और नेचर के बहुत पास है ये जगह, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई स्पेंट अराउंड 2 डेज हियर, बहुत बढ़िया मज़े आए। अभी मैं अपनी बस पकड़ने वाला हूँ, मैं बस यूजुअली हॉस्टल से बुक कर लेता हूँ, आई नो कि ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं वो लोग, बट ठीक है, यहाँ पे एक तो लैंग्वेज समझ नहीं आती है, और मैंने अपने वियतनामीज़ फ्रेंड से पूछा तो वो कहते हैं कि ज़्यादा ही चार्ज करेंगे टूरिस्ट को, मतलब जैसे मेरे को करीबन 700 रुपये चार्ज करा है यहाँ की बस के लिए, वो कह रहा था लोकल्स 450-500 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे, तो मैंने कहा ठीक है, अब कहाँ जाके बुक करूँगा मैं, तो मैं अपनी बस ले रहा हूँ यहाँ से। या तो ऑप्शन थी कि टैक्सी लेके बस स्टैंड जाओ या फिर वॉक कर लो 5 किलोमीटर, तो मैंने कहा कि मैं वॉक करके निकल जाते हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, तो 5-6 किलोमीटर वॉक करके जा रहा था। जनाब मेरे को छोड़ रहे हैं, आप शायद अंधेरे में नहीं देख पाओगे, बट थैंक यू सो मच गमहन गमहन फॉर द राइड, फॉर द कार राइड।
तो ये है युद्ध होटल ओनर. ओके. तो ये यहाँ पे होटल पे थे, तो ही सेड कि मैं छोड़ देता हूँ आपको, कहाँ वॉक करके जाओगे. तो दिस जस्ट सेज वियतनामीज पीपल आर रियली फ्रेंडली एंड नाइस. तो मैं हॉस्टल से निकल चुका हूँ, अभी बस पकड़ने वाला हूँ. जिन्होंने मेरे को छोड़ा, आई एम जस्ट सेइंग यू ड्रॉप्ड मी हियर. नो नो गाइस, आई एंड थैंक यू गमहन फॉर द राइड एंड डू यू से गुड बाय इन इन वियतनामीज. तापियत. मैंने वीडियो एंड करने से पहले बोला था कि मैं शायद वॉक करने वाला हूँ 4-5 किलोमीटर. तो हॉस्टल के जो ओनर थे, या फिर ही वॉज लाइक वन ऑफ द ओनर्स, क्योंकि आई थिंक उनकी फैमिली चलाती है वो हॉस्टल. तो उन्होंने पहले तो बोला कि टैक्सी लेनी पड़ेगी, बिकॉज वहाँ से 6 या 7 किलोमीटर दूर था. तो उसके लिए टैक्सी उन्होंने पता करी 70 से 80 हज़ार डोंग लेती है, और वो बिल्कुल ठीक प्राइस है, बिकॉज यहाँ पे 1 किलोमीटर का 10 हज़ार डोंग टूरिस्ट से लेते हैं. अब लोकल से कितना लेते हैं ये मेरे को नहीं पता. तो मैंने उनको सही से बोल दिया कि मतलब मैं अगर 2 लाख डोंग अगर मैं बस में खर्च कर रहा हूँ 8 घंटे के लिए, तो मैं 10 मिनट की राइड के लिए 100K तो नहीं दे सकता, तो मैं वॉक करके चले जाऊँगा. तो मैं जब वापस जा रहा था तो उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच एंड वियतनामीज़ हॉस्पिटैलिटी, एंड काफ़ी फ्रेंडली हैं यहाँ के लोग. सिटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट था, सिटीज़ में थोड़े लोग अपने बिजनेस बनाने के चक्कर में. आई अंडरस्टैंड दैट, ये हर कंट्री में होता है आई थिंक. जिनका बिजनेस है वो तो करेंगे ही, बट उसके अलावा जो लोग मेरे को यहाँ पे मिले हैं बहुत ही फ्रेंडली मिले हैं. मैंने अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया है काफ़ी से, और काफ़ी लोकल से बात करी है. आई होप आप लोगों को वो अच्छा लगता हो, बिकॉज दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ वीडियोज़ आई वॉन्ट टू मेक, कि मैं लोकल से ज़्यादा बात करूँ, इंटरेक्ट करूँ. और आपके सजेशन में भी ये आता है, तो आई वॉन्ट टू डू दैट. एनीवेज, अभी 6 बज चुके हैं. मैंने सोचा था मैं वीडियो एंड कर दूंगा, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई तो मैं ये डालना चाहता था. 6 बजे हैं करीबन, और मेरी बस 8:30 है, तो अभी भी 2.5 घंटे हैं. मैं शायद कोई रेस्टोरेंट पे खाऊंगा एंड देन बस बोर्ड करके नेक्स्ट स्टॉप विल बी हुए. मैं एक्चुअली फोंगना जाने वाला था, जहाँ पे केव्स हैं काफ़ी सारी, बट मैंने केव्स काफ़ी सारी देख लिए तो मेरा एक्चुअली मन नहीं था. और वो निनबिन जैसा ही है, तो मैंने निनबिन तो कर ही लिया है. मेरे कुछ फ्रेंड्स गए वहाँ पे, तो कह रहे थे अगर टाइम है तो जाना, नहीं तो उसके अलावा तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम बच गया. अब वियतनाम के लिए 17 दिन भी कम लगते हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी बड़ी कंट्री है. तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा, जो जो मैंने जगहें छोड़ दी हैं वो मैं कर लूँगा. विद दैट सेड, आई हैव सम डिनर एंड देन निकलते हैं बस. तो यहाँ पे बच्चे मिल गए. कैन यू टेल मी नेम, योर नेम, योर नेम, नी क्वेन. नाउ ओके, माय नेम इज सेड. Nice to meet you. I'm from India. India, New Delhi. Ninbin, very nice. Very good. I just know, thank you, Gamhan. Thank you. Gamhan. Bye, everyone. Tambiat. Bye-bye. जैसे मैंने दिखाया, बहुत ही फ्रेंडली बच्चे थे वहाँ पे. आई थिंक वो एक इंग्लिश लर्निंग का सेंटर है, बिकॉज वियतनाम में भी एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है वो इंग्लिश थोड़ी बहुत समझते हैं, और वो इनक्रेज करते हैं और कि नई जनरेशन को इंग्लिश आए, बिकॉज ऑब्वियसली एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो ये आनी चाहिए. जैसे आपने इंडिया में अगर आपको हिंदी आती है तो बहुत ही अच्छा है, वो तो है ही, बट उसके अलावा अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बाहर कहीं भी घूमते हो, किसी से भी बातचीत करते हो, तो आपके ऐसे कॉमन ग्राउंड होता है. तो इंग्लिश आनी बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट इन आर जनरेशन, इन आर सेंचुरी बहुत ज़रूरी है. तो वो बच्चे थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते थे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, नहीं तो मैं ट्रांसलेट कर के ही उनसे बात करता हूँ. दे आस्क्ड मी कि मैं कितने साल का हूँ, हाउ ओल्ड एम आई. मैं सब डॉक्यूमेंट तो नहीं कर पाया बिकॉज मैं बात करने में व्यस्त था, बट बहुत ही मज़ा आया. मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि कहीं पे भी चले जाओ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करो. और यही मेरा एजेंडा है अपने वीडियोस में, कि मैं और से ज़्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊं, मिलवाऊं,
और ये बिल्कुल ही रैंडम था, मैं ऐसे कुछ प्लान नहीं कर रहा था, मैं जा रहा था बिकॉज आप मान लो फॉर एग्जांपल मैं जैसे दिल्ली है और नोएडा और गाज़ियाबाद है, मैं प्रोबली अभी गाज़ियाबाद की सड़कों में घूम रहा हूँ इन वियतनाम, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे लोकल एरिया में घूमूंगा और वो एकदम एक फॉरेनर को देख लेंगे तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, नेचुरली मैं भी हो जाऊंगा अगर मैं अपने घर के बाहर एकदम एक फॉरेनर को देख लूंगा। तो ऐसे ही उन बच्चों के लिए था, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे, उनकी मैम भी बाहर आई, उनको थोड़ी इंग्लिश आती थी, वो थोड़ी सी बात कर रही थी मेरे साथ, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। आई वुड से कि घूमना तो ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखना, बट मेरे लिए ट्रैवलिंग पर्सनली इज़ टॉकिंग टू द लोकल्स, जो मैं पिछले ट्रिप्स में करता था बट शायद दिखा नहीं पाता था ढंग से, बट इस ट्रिप में मैंने बहुत ज़्यादा करा है। तो आई होप यू गाइज लाइक डेट, अगर करा है तो लाइक करना भूलना मत, मेरा लाइक भूला मत करो प्लीज़, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है आपके आपके लाइक्स से, आपके व्यूज़ से एंड एवरीथिंग, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ और ऐसे ट्रैवल्स रख सकूँ, बिकॉज ऑब्वियसली पैसा तो लगता ही है। तो अगर आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे मेरी वीडियोज़ तो इट विल हेल्प मी टू मेक सच वीडियोज़। आई होप यू अंडरस्टैंड।